से मार के लट तोड़ दिया, औरत के ऊपर भी हाथ उठाए और गल्ला फाड़ के औरत का नकल दिए। कंपनी की बस थी तो स्टाफ को ले लेके जा रहे थे और कोई ड्राइवर उतर के कार वाले के ऊपर हमला करा, करते ही इनू भी उतर गए। अब लेडीज अंदर से डर रही थी, डर के हमारे कुछ भी नहीं। हाँ भाई, नहीं 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 ट्रेवल्स की नॉर्मल कंपनी के बस आ रहे थे, नहीं वो कंपनी के बस आ रहे थे। अभी ये हो गए भी एक दो घंटे हो रहा भाई। जा रहे थे तो ट्रैफिक जमी हुई थी, हम लोग वहाँ पे उतरे, उतर के देखे क्यों आ रहा था, तो लेडीज बोले हम लोग को क्यों हम लोग पुलिस वाले मारे, बोल के उन्होंने हाथ बताए लेडीज को मारे जी। आओ बच्चे के हाथ पे मार भी लेके देखो, दिख रहा बच्चे के हाथ पे मार लेगा, धक्का मार दिए सारे लेडीज के पूरे फटे हुए थे, बुरखा भी खींचे हुए थे, कोई खींचे गए थे। लेडीज बोले मेरे को बुरखा कहीं खींचे हुए ऐसा पकड़े खींचे गए थे, सिर पे भी मारे गए थे, सिर पे ही मारे गए थे, हाथ पे ही मारे गए थे, आना के लट भी है उनके पास छोटा वाला लट भी है जो लोग जी जाओ दुर्गा से लटते जो लट से मारे ना वो लट दुर्गा से लट भी है सबूत। जो चाबी थी अंदर है तो ऐसा ही वहाँ से यहाँ पर आया या वहाँ से ही फरार हो गए, वहाँ से चले गए ऐसा ही को नहीं बुलाया जी। ऐसा ही साहब का नाम मालूम कुछ ओ कुछ नाम था अभी कुछ नाम सुरेश 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 नाम मैं मालूम है नाम अन्नू सुरेश सुरेश में शबाहत कैसी थी जी, देखने में शबाहत कैसी थी उन्होंने नहीं दिया थे उन्होंने तेज ने वक्त दिया वहां पे मुश्ती उनकी वक्तिया तेज ने वहां पे नो हमका देखे जब जी आओ हमका लेडीज के जब कार में बिठा रहे थे तो लेडीज के 12 बजे एक आइटन गाड़ी जिसमें मोहम्मद रिजवान अली उम्र 24 साल ट्रैवल कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, वो गाड़ी में 3 लेडीज थे। उस दौरान में हैदराबाद मेट्रो स्टेशन के पास ये एक बस को ओवरटेक करने के लिए हॉर्न दिए तो बस वाला नहीं सुना, फिर बाद में थोड़ा बहुत दोनों में रोड पे थोड़ा रेसिंग टाइप हुआ, उसके बाद में फिर दोबारा हॉर्न देने पे बस वाला उनको दबा दिया, दबा के गाड़ी रुका दिया, थोड़ा बदतमीजी से बात किया और गाड़ी इनका इंजन ऑफ कर दिया, इनके इनका आर्ग्यूमेंट होने पर इनको असॉल्ट किया। इस दौरान में पीछे से एक पुलिस गाड़ी आ रही थी, विद इन 5 मिनट गाड़ी रीच हुई, जब तक कुछ गैदरिंग हो चुकी थी उस जगह पर, तो ऐसा ही बिना जाने कि क्या हो गया या हाथ ऐसा देखे गैदरिंग देखे थोड़ा पैनिक हो गया। ऐसा ही सूरज कुमार उनके हाथ में एक रोल था लकड़ी का, वो रोल से गोसो एक दो लोगों को ऐसे मारा, तो जो भी है इसमें सख्त से कार्रवाई करेंगे सर। वो आरटीसी बस वो जो लोग थे लेडीज थे जिसके ऊपर आपके सुरेश जो आपके एस आई है मैं देखा नहीं फिजिकली तहकत कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग जो बोल रहे हैं सर वहाँ पे लेडीज के ऊपर मैं आके आधा घंटा हुआ जो भी है तहकत करेंगे इस तारों से बोल रहे हैं सर। ने 2020 बैच के जो एस आई है आपके अंडर ट्रेनिंग थे या फिर उन्होंने जो है सेक्टर एस आई है सेक्टर एस आई से उसके बाद उन्होंने ऐसा गैर जिम्मेदार हरकत कैसा कर सकते सर? लेडीज बोले बात कैसा मार देते सर? लेडीज को मार देते उतरते ही बगैर मालूम कर लेडीज के ऊपर जो है लाठी चार्ज करे बोल के इन्फॉर्मेशन इंसान से गलती हुई तो एक्शन लेते ना, ऐसा करते हैं वो तो हादसा होता रोड पे। नहीं नहीं तुम्हें पुलिस जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है काफी टाइट करते हैं फ्रेंडली पुलिस उसके बावजूद ऐसा हो रहा है बात करने एक साल कंप्लेंट है फिर आप और बोल रहे अच्छा बोलिए नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सर, होम मिनिस्टर साहब जो है काफी फ्रेंडली पुलिस की जो है तारीफ करते रहते उसके बावजूद जो है पुलिस की तरफ से ऐसा गैर जिम्मेदार हरकत हुई तो इसका जिम्मेदार कौन? बेशक हैदराबाद पुलिस और तेलंगाना पुलिस इंडिया की नंबर वन पुलिस है, जो अरे हमारे HM साहब बोले, हमारे DG साहब बोले, हमारे CP साहब बोले, बिल्कुल सही है इसमें। अब इसमें क्या है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है क्योंकि जब सडनली रोड पे आधी रात को जब गैदरिंग होती है तो शायद वो सब कम पहुंच रहने से या गैदरिंग देख के भी थोड़ा ओवर रिएक्ट करा होगा लड़का, और उसमें हम तालों से रिपोर्ट लिखेंगे, इंक्वायरी करेंगे और सख्त से कार्रवाई करेंगे। सर ये विदाउट मालूमात के ऐसा पैनिक हो जाना सडन और लाठी चला देना, अच्छा क्या ये ट्रेनिंग में नहीं, नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई तो ऐसा है उसकी नफसियत का मसला है इसका तो क्या फिजिकली कुछ चैलेंज ऐसा तो नहीं है सर कहीं कर्नाटक में जो हैजाब का चल रहा है हैदराबाद में भी जो नहीं आप लोग नया इशू बना रहे हैं इशू नहीं सर लड़की हमारे साथ का बुरखा खींचे बोलते भी बोल रहे हैं आपसे लड़की बोले के बुरखा भी खींचे और मारे बोल के मेरे हाथ में कंप्लेंट है आप कॉपी और कॉपी दे सकते हैं क्या एक्शन क्या लेंगे सर इनके ऊपर जो भी दफे लगेंगे जो भी बोला तो लेडीज को हाथ लगा दिए मार दिए मैक्सिमम दफे ले लेंगे कल मॉर्निंग आके एफ आई आर ले लीजिए आप ये ठीक है तो इन्हें सस्पेंड होंगे सर
ये सस्पेंशन कमिश्नर साहब के हाथ में है, हम इस पर सक्सेस कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट देंगे और ये एफआईआर में भी वो मैडम दर्ज कर चुके हैं कि क्या हुआ उसे, यही रिपोर्ट कमिश्नर साहब देंगे। नहीं साहब, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होंगी तो फिर आगे किसी और को फिर मौका मिलता है इसके ऊपर ऐसे ही करने का, ऐसे ही करके फिर कुछ तो भी इशू बन जाता छोटा सा, ऐसा हो जाएगा सब। देखिए हाइपोथेटिकल जो नए हुए होने वाले हो सकता उसके बारे में सवाल करना गलत है, आप प्रैक्टिकल बात करेंगे अपन जी। जो गलती हो गई उसके बारे में हम वो सवाल कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो इनकी ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई है, मेरे को जाकर तेलंगाना अकेडमी से पूछना पड़ेगा। अच्छा सर, ये 2020 मैच के नहीं सर, लेडीज आप इतना रिपोर्ट रहे जी सर, अभी 5 मिनट पहले सर, अभी 5 मिनट पहले बाहर एक शख्स जो है वहाँ पे स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोले कि यहाँ के एसआई जो है लड़की को जो लेडीज के ऊपर जो है लाठी चार्ज कर रहे हैं और लाठी टूट गई। अब देखिए जो लड़की पे लाठी चार्ज हुआ ना जी, वो लड़की का कंप्लेन है जी, कल मॉर्निंग ठीक है तो आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दीजिए, हम उस रिकॉर्डिंग लेकर बोल सो सबूत करेंगे और केस को और मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। सूरज साहब की जो है लकड़ी सर, ये मसला था गाड़ी और गाड़ी के क्रैश का। अच्छा, इसको मसला जो है लेडीज और जो है आपके पीएस के जो है कॉन्स्टेबल का सवाल है, ऐसा हो गया सर? ऐसा नहीं है, आपका सवाल ऐसा है, क्या करते हैं मसले पे हमारा कुछ जाने का नहीं।